निगरान हुकूमत की कमान कौन संभालेगा? वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की आज मुलाकात का शेड्यूल तय ना हो सका, ऐसा बताना है जराए का। वजीर आजम आज गिलगित बल्तिस्तान और चतराल का दौरा करेंगे, इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जावेद, बताइएगा आज वजीर आजम की क्या मसरूफियत होगी? जी देखें, जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म की तकरीरी का मामला है, तो इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ जो पहला मरहला इसका हुआ था और उसमें बताया गया था कि आज दूसरा मरहला होगा इन मुज़ाकरात का वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान में। तो अभी तक जो वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए ये बता रहे हैं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान में वक्त जो है उसका तय नहीं हो सका है, और अभी तक कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है कि जिसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मतवक्के हो। लेकिन आज के रोज़ जो दोनों रहनुमाओं और वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी अलामी में बताया गया था कि आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है, तो इस सिलसिले में जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म कुछ ही देर में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहाँ पर वो तरक्याती कामों का जायज़ा लेंगे और इसी के साथ साथ कुछ तरक्याती काम ऐसे जिसका वो इफ्तिताह करेंगे, और लैपटॉप स्कीम का इजरा गिलगित बल्तिस्तान में करने जा रहे हैं, और उसके बाद वो चित्राल का दौरा करेंगे, जहाँ पर वो चित्राल यूनिवर्सिटी की जो संगे बुनियाद है वो रखेंगे। तो इस हवाले से जो मुज़ाकरात होने थे निगरान वज़ीर आज़म से मुतालिक, जिसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन की मुलाकात होनी है, तो इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर की तरफ से भी उनके ज़राए भी अभी तक मुलाकात का वक्त कन्फर्म नहीं कर रहे, और इधर से वज़ीर आज़म ऑफिस ये बता रहा है कि अभी तक अपोजिशन लीडर के साथ मुलाकात का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। ये कभी इम्कान है कि आज मुलाकात जो है वो किसी भी वक्त अचानक से हो सकती है, या फिर ये दूसरा मरहला जो है वो कल के रोज़ पर जा सकता है, और ये मुलाकात लाहौर में मुतवक्के है। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया।